अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक बिसलेरी टैबलेट्स के ऊपर है, जो कि खून की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज की वीडियो में हम बिसलेरी टैबलेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। बिसलेरी टैबलेट्स के अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें मौजूद आयरन और फोलिक एसिड जो कि खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आयरन इसमें हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फोलिक एसिड रेड ब्लड सेल की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के कम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा खून की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले ये बात समझ लें कि खून की कमी की अलामत क्या है और किस वजह से होती है। खून की कमी किसी डिजीज़ की वजह से हो सकती है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, खून ज़्यादा बहने की सूरत में हो सकती है, मेडिकली कोई प्रॉब्लम्स आने की वजह से भी खून की कमी का मसला हो सकता है। तो इसकी जो अलामत है उनमें बहुत ज़्यादा जिस्म में थकावट का आ जाना, साथ में वीकनेस का फील होना, सर में दर्द का रहना, बालों का जड़ना, नाखनों का टूटना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, चक्कर का आना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, भूख वगैरह में कमी का महसूस होना, तो ये मेजर अलामत है खून की कमी की। इसके अलावा इसको कन्फर्म करने के लिए CBC का टेस्ट करवाया जाता है, उसके बाद प्लान किया जाता है। अगर तो ये नॉर्मली कम हो तो फिर टैबलेट फार्म से ही खून की कमी को पूरा किया जाता है और साथ में कहने के डाइट वगैरह को इम्प्रूव करके खून की कमी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट लिया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा खून की कमी हो तो फिर IV फार्म में बिसलेरी नाम से जो ड्रिप्स वगैरह मिलती हैं उनको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा खून की कमी की सूरत में डायरेक्ट खून वगैरह भी लगवाया जाता है और ये तमाम डिपेंड करता है आपकी रिपोर्ट्स पर, डॉक्टर के मशवरे के बाद। तो बात करते हैं बिसलेरी टैबलेट्स के यूजेस की। बिसलेरी टैबलेट्स को फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान मोस्टली इस्तेमाल करवाया जाता है। खून की कमी का मसला प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए या खून के लेवल को बराबर रखने के लिए बिसलेरी टैबलेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इसमें मौजूद फोलिक एसिड जो कि न्यूरल ट्यूब की हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मदर से बच्चे तक जो खराब पहुँचती है उस ट्यूब को बेहतर करने के लिए फोलिक एसिड के सप्लीमेंट को इस्तेमाल करवाया जाता है। चूँकि ये अलहदा से भी फोलिक एसिड सप्लीमेंट मिल जाता है और इसमें भी मौजूद है, तो इस वजह से ये भी डिपेंड करता है कि कितनी बॉडी में इसकी ज़रूरत है। तो अगर फोलिक एसिड की कमी हो तो बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलते हैं जो कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसके अलावा बाद अवकात ज़्यादा कमी की सूरत में बच्चा ज़ाया भी हो जाता है, तो इस वजह से फोलिक एसिड का लेवल जिस्म में पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल की कमी की वजह से अगर किसी को खून की कमी का मसला हो रहा है तो फिर भी बिसलेरी टैबलेट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिसलेरी टैबलेट्स को अगर किसी को गुर्दों का मसला है या कह लें कि जिगर का मसला है जिसकी वजह से खून की कमी का मसला आ रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली अगर किसी को किसी भी वजह से जिस्म में खून की कमी का मसला आ रहा है, अनीमिया का मसला आ रहा है, वो चाहे चोट की सूरत में है, एक्सीडेंट की वजह से है, कोई सर्जरी की वजह से खून ज़्यादा बहने की सूरत में है, तो ऐसी कंडीशन में हम बिसलेरी सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अगर तरीका इस्तेमाल की बात करें तो इसकी एक टैबलेट्स को दोपहर के वक्त खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने की सूरत में इसकी 2 से 3 टैबलेट्स एक दिन में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन वह भी डॉक्टर के मशवरे के बाद। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो बिसलेरी टैबलेट के इस्तेमाल से नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह का मसला आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, स्टूल वगैरह ब्लैक हो सकता है, स्किन रैश हो सकती है, एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।